आई एम मोहित मिस्त्री एंड यू आर वॉचिंग कोड डिगर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला पैटर्न को प्रिंट करके देखेंगे कि ऐसा पैटर्न हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो इस पैटर्न में हमें करना क्या है, पहले एक स्टार प्रिंट होना चाहिए, फिर उसके नीचे वाले लाइन में एक स्टार प्रिंट होना चाहिए और एक स्पेस प्रिंट होना चाहिए और फिर और एक स्टार प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की ओर। हमें कितने स्टेप बनाने हैं, हमें 4 स्टेप बनाने हैं। ओके, तो चलिए, तो पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, रोज और कॉलम बना लेने हैं। तो रो कॉलम्स बना लिए, फिर यहाँ पे मैंने आई की इंडेक्सिंग कर दी, जो भी कॉलम्स है उसको मैं एज अ जे कंसिडर करता हूँ और उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं। चलिए, स्टेप टू में हमें क्या करना है, आई की सारी वैल्यूज लिख लेनी है और जे की वो वाले बॉक्स का इंडेक्स लेना है जिसमें स्टार प्रिंट हुआ हो। ओके, जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन सी वैल्यू के अंदर स्टार प्रिंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो मैंने 5 लिख लिया। जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन से कॉलम में स्टार प्रिंट हुआ है, तो ये 4 है और 6 है, मैंने 4 और 6 लिख लिया। वैसे ही जब 4 है, आई की वैल्यू जब 4 है तो 2, 4, 6 एंड 8, तो यहाँ पर मैंने 2, 4, 6, 8 लिख लिया है। ओके, ये हमारा स्टेप 2 कम्प्लीट। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें कुछ ऐसा करना है, इसका पहले वाले भी प्रोग्राम हमने किया था, उसमें भी हम कुछ इस टाइप की ही हमने पैटर्न प्रिंट की थी, यहाँ पे स्पेस नहीं प्रिंट हो रहा था बीच में। ओके, तो इसका पहले वाले भी हमने प्रोग्राम देखा था, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि उसमें यहाँ पे स्पेस नहीं प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे स्टार ही प्रिंट हो रहा था। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे मैं ध्यान से देखता हूँ, इसका मुझे एक कंप्रेस वर्जन इस तरह से कुछ बनाना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 से बड़ी है, 8 से छोटी है, 3 से बड़ी है, 7 से छोटी है वैल्यू। जब आई की वैल्यू 3 है तो 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। जब आई की वैल्यू 5 है तो 1 से बड़ी है जे की वैल्यू और 9 से छोटी है। ओके, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे इस तरह से वैल्यू को कंप्रेस वर्जन में लिखना है, एक शॉर्टर फॉर्म में, कि जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 5 या 5 से बड़ी और छोटी होनी चाहिए 5 या 5 से छोटी। ओके, जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू होनी चाहिए 2 या 2 से बड़ी और जे की वैल्यू होनी चाहिए 8 या 8 से छोटी। ओके, ये एंड क्या है, ये एंड वो है कि जब सारे कंडीशन ट्रू हो तभी ये लूप के अंदर आएगा, इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सीधा बाहर निकल जाएगा, लूप के बाहर निकल जाएगा और एल्स पार्ट में जो भी हमने स्पेस प्रिंट करवाया हो वो स्पेस प्रिंट कर देगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आई की वैल्यू होगी, क्या होगी आई की वैल्यू, यहाँ पे है हमारे पास 1 है। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाए, ये 5 वाली वैल्यू। जब आई की वैल्यू 3 हो तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जानी चाहिए, ऐसा क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करूँ कि मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाए। ओके, जब चलिए अब जब आई की वैल्यू 1 है तो मैं 5 कैसे ला सकता हूँ, तो मैं ला सकता हूँ 4+1 और 6-1। चलिए 4+1 को लेकर चलते हैं। ओके, चलिए अब जब आई की वैल्यू 2 है, ये सब भूल जाइए आप, ये सब भूल जाइए, जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे ये दूसरे स्टेप में, तो जे की 4 वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले हमने क्या सोचा था, यहाँ पे 4+1, तो यहाँ पे 4+2 करते हैं, क्या एडजस्ट हो रहा है, 4+2 तो 6 हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। तो हमने पहले क्या दूसरा सोचा था, 6-1, चलिए 6-1 से शुरू करते, तो 6-1 यहाँ पे 5 आ गया, 6-2 यहाँ पे 4 आ गया, 6-3 यहाँ पे 3 आ गया, 6-4 यहाँ पे 2 आ गया, 6-1 यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, चलिए तो मैं एक और कंडीशन लिख के ही चलता हूँ, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे पहला लॉजिक क्या सेट हुआ, जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किस से, 6-i से, हमने यहाँ पे सब चेक कर लिया। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, यहाँ पे अब ये भूल जाइए और ये के वाला भी भूल जाइए, इस पर फोकस कीजिए, ये वाला। ओके, चलिए फिर से शुरू करते हैं, यहाँ पे
मुझे 1 है, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और मुझे यहाँ पे 5 लाना है, कैसे कर सकता हूँ? 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 आ जाता है। चलिए 4 प्लस 2 6 आ गया, हाँ आ गया। 4 प्लस 3 यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। 4 प्लस 4 यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। 4 प्लस 5 यहाँ पे क्या आ गया, 4 प्लस 5 यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, एंड j की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किस से, 4 प्लस i से। ओके, अब ये k क्या है, ये k क्या है, जब भी i वाली लूप ख़त्म होगी, मीन्स यहाँ पे जैसे ही एंटर होगा कंपाइलर, जब भी i वाली लूप शुरू होगी, j से पहले और i के बाद, ये जो बीच में स्टेप है ना, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें k की वैल्यू सेट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी पैटर्न प्रिंट होना शुरू हो रहा है तो यहाँ पे स्टार वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि चलिए हम i की वैल्यू 4 लेके चलते हैं, तो स्टार्टिंग में स्टार प्रिंट हुआ, फिर नहीं प्रिंट हुआ, फिर से प्रिंट हुआ, फिर नहीं हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक बार प्रिंट हुआ फिर नहीं होना चाहिए, फिर से प्रिंट हुआ फिर नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे ऐसा कुछ एडजस्ट करना है। ओके, तो मैं एक एंड कंडीशन लगा देता हूँ, जब भी जे वाली लूप चले उससे पहले मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में सब में वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो जे की लूप चलने से पहले मैं के की वैल्यू क्या कर दूंगा, के की वैल्यू 1 कर दूंगा, मीन्स ट्रू कर दूंगा। ओके, 1 इक्वल्स टू ट्रू एंड 0 इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन स्टार्टिंग में चेक करेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर जब दूसरी बार ये वाली कंडीशन यहाँ पे 4 से लेकर 6 तक चल रहा है, मीन्स 5 पे भी ये दो कंडीशन ट्रू हो रही है, ये दो वाली, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जब भी स्टार प्रिंट होगा तब हम नीचे वाली वैल्यू में k की वैल्यू चेंज कर देंगे और उसको हम कर देंगे 0, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगा। मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे int i कॉमा j, जब हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पे आके फिर से बना लेंगे। ओके, चलिए फॉर लूप चलाते हैं, i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितने, 5 फॉर आई प्लस प्लस। अब दूसरा फॉर लूप चलाते हैं, जे वाला, जे की वैल्यू 1 से लेकर जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कब तक चल रही है, 9 बार चल रही है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जे वाली लूप 9 बार चल रही है ना। ओके, चलिए 9 बार चल रही है जे प्लस प्लस। ओके, चलिए अब क्या करना है, हमें इफ कंडीशन लगानी है। ओके, चलिए इफ कंडीशन लगा देते हैं। हमने क्या कहा था कि जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किस से, 6 माइनस आई से। 6 माइनस आई है ना, देखिए आप यहाँ पे 6 माइनस आई है, और क्या है, एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, जे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किस से, 4 प्लस आई से, तो वो भी लिख लेते हैं। जे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किस से, 4 प्लस आई से। चलिए पहले हम इतना कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टार प्रिंट होना चाहिए। ओके, चलिए एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, कंडीशन ट्रू ना हो तो हमें क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है, जब भी लाइन ख़त्म हो तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। ओके, चलिए ये वाला इतना कोड हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये देखिए बराबर। ओके, मुझे कैसा पैटर्न चाहिए, मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए, लेकिन सिमिलर मैचिंग तो हमारा पैटर्न आ ही गया। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे जो ये एक स्टार प्रिंट हो रहा है बीच वाला, वो मुझे निकालना है। तब हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक नया के वेरिएबल बना लेता हूँ, टेम्पररी वेरिएबल। जब भी आई के अंदर, जब भी हम आई वाले लूप के अंदर जब स्टार्टिंग में आए, तब मुझे क्या करना है, मुझे के की वैल्यू कर देनी है 1। ओके,
क्यों अर्न करनी है आगे देखते हैं। चलिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे के डाल देना है। ओके चलिए, के की वैल्यू क्या है, 1 है, मीन्स स्टार्टिंग में के की वैल्यू 1 होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आएगा और स्टार्टिंग में स्टार प्रिंट करेगा। ओके यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में हर बार स्टार प्रिंट करवाना है स्टार्टिंग में, ये आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में के की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी किससे, 1 से, सो दैट ट्रू हो। फिर क्या होना चाहिए, फिर 0 हो जानी चाहिए के की वैल्यू स्टार प्रिंट होने के बाद। ओके स्टार प्रिंट होने के बाद के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, सो दैट दूसरी बार कंडीशन फॉल्स हो। तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू चेंज करके क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ओके चलिए के की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे। ओके यहाँ पे के की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस प्रिंट हुआ, स्टार प्रिंट नहीं हुआ। फिर क्या होना चाहिए, जब भी स्पेस प्रिंट हो जाए तो फिर से के की वैल्यू चेंज होके कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, तब भी फिर से स्टार प्रिंट होगा। ओके तो चलिए अब क्या होना चाहिए, जब स्पेस प्रिंट हो जाए तब के की वैल्यू फिर से कितनी कर देनी है, 1 कर देनी है, कर दिया। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं। ये देखिए हमने जो चाहा था वैसा ही एग्जैक्ट प्रोग्राम का आउटपुट हमें मिल गया है, यहाँ पे एक 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 स्पेस प्रिंट हो रही है बीच में। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को डिबग करके देखते हैं, आई वाली लूप कितनी बार घूम रही है, 5 टाइम्स घूम रही है। ओके तो जब आई की वैल्यू 1 होगी, मीन्स आई की वैल्यू जब 1 होगी और वो वाली लूप घूमेगी, तब उसके अंदर जे वाली लूप कितनी बार घूमेगी, 9 टाइम्स घूमेगी। ओके अब यहाँ पे कंडीशन कब ट्रू होगी, जब जे की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तब ट्रू होगी। अब यहाँ पे कंडीशन कब ट्रू होगी, जब जे की वैल्यू 5 है। ओके हमने क्या एडजस्ट किया था कि के की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है इसलिए स्टार प्रिंट होगा, और 4 बार स्पेस प्रिंट होगा, 1 बार स्टार होगा, फिर से 4 बार स्पेस प्रिंट होगा। ये आउटपुट हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। चलिए जब आई की वैल्यू 2 है तब क्या होना चाहिए, तब जे की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी और 6 या 6 से कम होनी चाहिए। ओके तो 4, 5, 6 में स्टार प्रिंट होगा। ओके तब और यहाँ पे हमने क्या कंडीशन सेट की है, के हमने किस तरह से सेट किया था कि स्टार्टिंग में के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जब के की वैल्यू 0 है तो कंडीशन फॉल्स होगी और फॉल्स में नीचे आके वो स्पेस प्रिंट कर देगा, और फिर से के की वैल्यू जब 1 होगी तो स्टार प्रिंट होगा, मीन्स एक बार स्टार प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा और फिर से एक बार स्टार प्रिंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब आई की वैल्यू 3 है तब क्या होना चाहिए, जब आई की वैल्यू 3 है तो 3 से लेकर 7 तक की यहाँ पे इतना ही 3 से लेकर 7 तक की वैल्यू आनी चाहिए। ओके तो स्टार किस किस में प्रिंट होगा, स्टार्टिंग में के की वैल्यू 1 है तो स्टार प्रिंट होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर से 1 होगी तो स्टार प्रिंट होगा, फिर से 0 हो जाएगा, और फिर से के की वैल्यू 1 यहाँ पे है तो स्टार प्रिंट होगा। ओके चलिए 3 बार स्टार प्रिंट हुआ, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है। चलिए आई की वैल्यू 4 देखते हैं, जब भी आई की वैल्यू 4 है तब जे की वैल्यू 2 से लेकर 8 तक होनी चाहिए यहाँ पे। ओके तो चलिए जब 2 से लेकर 8 तक है यहाँ पे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में स्टार प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, 1 है मीन्स ट्रू है इसलिए ये स्टार प्रिंट होगा। फिर ये स्टार प्रिंट करके ये क्या कर देगा, के की वैल्यू को 0 कर देगा, इसलिए क्या होगा, दूसरी बार जब आएगा 1 प्रिंट करके, फिर दूसरी बार जब आएगा तब के की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्पेस प्रिंट करने के बाद फिर से के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके तब क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा। इसी तरह से एक बार स्टार एक बार स्पेस, एक बार स्टार एक बार स्पेस, इस तरह से प्रिंट होगा, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, एक बार स्टार प्रिंट हुआ फिर स्पेस प्रिंट हुआ। ओके चलिए जब आई की वैल्यू 5 है, जब आई की वैल्यू 5 है तब क्या होगा, तब जे की वैल्यू 1 से बड़ी और 9 से छोटी होनी चाहिए। ओके तो कौन कौन सी वैल्यूज में स्टार प्रिंट होगा, स्टार्टिंग में स्टार प्रिंट होना चाहिए, फिर नहीं प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे के की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, फिर 0, फिर 1 है, फिर 0, फिर 1 है, फिर 0 है, 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स। ओके तो एक बार स्टार प्रिंट करेगा, एक बार स्पेस प्रिंट करेगा, ये आउटपुट हमने लिख लिया।
तो इस तरह से आप पैटर्न मैचिंग के प्रोग्राम कर सकते हो। धन्यवाद।